आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रेशमी पनीर जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी गर्म होने के लिए रखेंगे। अब जब घी गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा तड़कने लगे तो उसमें 1 प्याज लंबा कटा हुआ डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1-2 मिनट इसको चलाने के बाद इसमें 1 शिमला मिर्च लंबी कटी हुई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट चलाने के बाद 2 बड़े चम्मच ताज़ी क्रीम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 200 ग्राम पनीर को लंबे लंबे पीसेस में कट करके डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट चलाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। लीजिए हमारा रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस रेशमी पनीर बनकर तैयार है। आप इसे एक बार बनाएंगे, आपको इसे बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।